आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये एक ब्लाइंड मदरसा थाना सदर गोजरा का बटुआ है। तो 6 माह कबल इमदाद हुसैन बोबक चौक से लापता हो गया, तो उसके जो वर्षा थे वो बड़े परेशान हो गए। वो अपने तौर पे तलाश करते रहे, लेकिन उनको इमदाद हुसैन का पता ना चल सका। बाद में वो थाना सदर है, उन्होंने अप्लीकेशन दी, जिस पर DPO साहब के दो पटरीक्स हैं उनके नोटिस में लाकर हमने FIR दर्ज की और एक DPO साहब के हुक्म पे हमने एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी, जिसमें SHO हाकम अली, सब इंस्पेक्टर आजम, एलीट फोर्स और हमारी टीम, उसने दिन रात जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुलजमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इमदाद हुसैन को यहाँ बोबक चौक से अगवा करके इलाका थाना फैसलाबाद में जाकर उनको कत्ल करने का जो है वो तस्लीम किया, और उसकी डेड बॉडी जो है ना वो सेम रहा बहा दी और उसको तस्लीम किया। और ये हमारी टीम ने दिन रात एक करके ये जो है ना ब्लाइंड मर्डर बड़ी मेहनत के बाद ट्रेस आउट किया, और इसमें हमारे जो है 4 मुलजमान गिरफ्तार हैं, और जो कार जिसके उन्होंने अगवा करके मुलजम ले गए थे वो भी हमने बरामद कर ली जो था। उसकी पता जो भी नहीं हुई कि कहाँ पे वो डेड बॉडी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अरसा हो गया और वो जो केमिकल का सेम नाला था और वो केमिकल की वजह से जो डेड बॉडी हो जाए।